तो वहीं काला ढूंगी में तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के बदहैनी रेंज की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि टीम ने खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। मामले की जानकारी देते हुए वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार असगोला ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि बोर नदी की ओर से एक ट्रक बदहैनी की ओर जा रहा है। सूचना पर वन कर्मियों ने बदहैनी वन बैरियर पर घेराबंदी की और ट्रक भरकर लकड़ी जब्त की। जब्त की गई लकड़ी की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वही टीम को देखते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक छोड़कर भागने में कामयाब रहे। कालाढूंगी से मुकेश हमवाल की रिपोर्ट। हमारा स्टॉप बोर नदी क्षेत्र में गश्त में था। रात लगभग 8 बजे के आसपास एक गाड़ी पीपल पड़ाव की तरफ से गोरखपुर की ओर को आती हुई दिखाई दी, तो बोर नदी पे इसको जो है स्टाफ द्वारा रोका गया। इन्हें जो चालक था इस गाड़ी को तेजी से भगा के ले गया। स्टाफ उसके पीछे लगा और इन्होंने जो सूचना दे दी, हम लोगों को भी सूचना दी, यहाँ के स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया था। गोरखपुर पर इसको रोकने का प्रयास किया गया तो गेट पर टक्कर मारते हुए निकल गया। वहाँ पे जो स्टाफ कम था, बरहनी पर पूरा स्टाफ वहाँ पे तैनात था और वहाँ पे जब इसको गाड़ी को आते हुए देखा तो स्टाफ वहाँ पे सक्रिय हो गया और पीछे से ये लोग भी आ रहे थे, तो अपने को घिरता हुआ देख के इसने गाड़ी रोकी ड्राइवर ने और वहाँ से गाड़ी से कूद के फरार हो गया। विभा इसको जब चेक किया गया गाड़ी में तो जो है खैर लगा हुआ था और इसकी जांच करने पर पाया गया कि 133 गिल्टे खैर के इसमें थे, जिसमें से 28 गिल्टों में बन निगम का निशान लगा हुआ था मार्कर। अभी जांच जारी है और जो गाड़ी ड्राइवर है अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया।